ओ क्या कर रहा आबादी रोड में बीच में खड़े हो गए रोड के बीच में खड़े रहोगे आप भैया इनकी गलती है रिकॉर्ड हुआ है आप गलत जा रहे हो भाई। शिट यार बाइक गिर गई गाइस। अरे गाइस सीन हो गया यार इसका, फिर से खुल गया भाई। क्या काम किया है कंपनी वालों ने यार। गाइस ये देख रहे हो भाई, ये फिर से खुल गया यार। कंपनी वालों ने क्या काम किया था, मैंने इस चीज़ के लिए तो इंश्योरेंस लिया था। ये देख रहे हो क्या हुआ ये। आराम से। और गाइस लुक चेक करो यार अपनी बाइक की। अभी इस पर एक तगड़ी सी मॉडिफिकेशन भी होने वाली है, तो आप लोग कमेंट्स करते रहना भाई, अपनी अपनी राय देना सारी कि हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए। कॉर्नरिंग देख रहे हो, ओए ओए ओ देखो भाई कैसे हो। ओ भाई सारे चिल्लाने लग गए यार। बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल ऑल इन व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली, होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस देख रहे हो आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं फिर से अपने रूम से। तो गाइस फाइनली हमारी जो बिलो रानी है वो रेडी हो चुकी है, अपनी KTM RC 390 रेडी हो चुकी है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं KTM के सर्विस सेंटर, वहां से लाएंगे अपनी KTM RC 390 और फिर उसकी मॉडिफिकेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं भाई, हमारी KTM RC 390 का एक्सीडेंट हुआ था, मतलब मेरे से ही एक्सीडेंट हुआ था। तो जिन लोगों ने क्लिप नहीं देखी है तो ये देख लो जाके। शिट यार बाइक गिर गई गाइस। सो एक्सीडेंट के बाद अपनी बाइक की बहुत बुरी कंडीशन थी, तो मैंने उसको इंश्योरेंस में लगाया था ठीक होने को, और आई गेस अभी पूरे 15 से 20 दिन हो गए हुए हैं बाइक को इंश्योरेंस में लगे हुए, तो आज फाइनली हमें अपनी बाइक मिल रही है। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं, चलते सीधा KTM के सर्विस सेंटर। तो नीचे अपनी निंजा लगी है तो उसको कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हम अपनी KTM RC 390 में किस टाइप की मॉडिफिकेशन करवाएं, मतलब क्या अलग करवाएं, रैप वगैरह करवाऊं कि नहीं करवाऊं, जो भी आप लोग बोलोगे वो कर लूंगा। तो यार प्लीज कमेंट करना। तो चलो गाइस फिलहाल निकलते हैं, करते हैं अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट, तो सीधा मिलता हूं आपसे बाइक पे। सो फाइनली गाइस ये लगी हमारी बाइक, तो चलो अपनी बाइक को जल्दी से कोल्ड स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपनी दूसरी बाइक को लेने के लिए। इसको मैं नीचे कैफे पे लगा दूंगा, तो वहां से चलेंगे हम अपनी दूसरी बाइक को लेने के लिए, मतलब अपनी KTM RC 390 को। और ये देखो भाई हमारी बाइक कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी इसमें बहुत शोर मचाना है गाइस। इसमें फ्यूल भी खत्म हो गया है, तो इसको आज फुल भी करवा लेंगे, एक स्टेप बचा सिर्फ, तो फुल भी करवा लेंगे इसको। और आगे से यार इसकी थोड़ी बहुत टेपिंग उतर रही है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, ये चेक करो यार यहाँ से थोड़ी ना टेपिंग उतर नहीं रही है, मतलब थोड़ी खराब हो गई है, और इस साइड से भी थोड़ी खराब हो गई है, तो ये मुझे चेंज करवानी है। तो गाइस जब टाइम लगेगा तो घूमट चलेंगे तो इसको चेंज करवा लेंगे। तो फिलहाल अभी इसको कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, अभी तो ये बहुत शोर करेगी। ये चेक करो गाइस आवाज देख रहे हो भाई, बहुत लाउड है एग्जॉस्ट, बहुत लाउड है। और गाइस मुझे पिछले टायर में हवा भी बहुत कम लग रही है, तो हवा भी फिल करवाएंगे इसमें। गाइस देख रहे हो अभी एक बार चढ़ा ना, जब दूसरा बार चढ़ता ना तब इसकी आवाज कम होने लगती है, मतलब अच्छे से गर्म हो गई है बाइक। जब ठंडी होती है ना ये तब बहुत शोर करती है यार। फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से, शोर देख रहे हो कितना मचा रही है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे दानिक आ चुका है और हमारी छोटी निंजा भी आ चुकी है। तो गाइस अभी हम अपने हल को अंदर लगाएंगे, हम जा रहे हैं अभी इस बाइक पे KTM RC 390 को लेने, तो इसको अंदर लगा देता हूँ मैं, तब तक कैफे में, कैफे बोल रहा हूँ, सर्विस स्टेशन में लगा देता हूँ। बट गाइस आप होप करो आज हमें बाइक मिल जाए हमारी। सो गाइस हमने अपना हल्क यहाँ पे लगा दिया, तो चलो अभी छोटी निंजा पे चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर। सो गाइस ये रही हमारी निंजा, तो चलो अभी निकलते हैं भाई। इसका बैटरी का भी थोड़ा इशू है, ये देखो गाइस देख रहे हो, आवाज सुन रहे हो क्या हो रहा है भाई, करो आप इसको गियर में स्टार्ट, हो रही है यार, हुआ क्या है इसको, रुक मैं धक्का देता हूँ, चल चल कर गियर में। ओ भाई थोड़ी स्पीड तो बना, गाइस देख रहे हो यहाँ पे क्या जुगाड़ चल रहे हैं, आजा आजा, ओ भाई इसकी शक्ल देखो, इसने वीली मारी अभी 5 मिनट पहले। गाइस एक वीली मैं भी मारूंगा, मारूंगा मैं। सो गाइस चलो अभी निकलते हैं, चलते सीधा KTM के सर्विस सेंटर। ये देखो ओ भाई मैंने मिरर उतारे, मेरे मिरर ले ले पर लगा दे यहाँ पे। गाइस इसको मैं अपना मिरर दे दूं, ओ भाई लग गई, ये क्या हुआ, ओ भाई टूट गया जो टूटना था, लग गई यार, शीशे अच्छे लगते हैं ऐसे। सो गाइस चलो अभी चलते हैं KTM के सर्विस सेंटर और एक OPC राइड करते हैं अभी। दानिक ब्रेक ठीक कराई थी इसकी, सिर मेरा कराई है, ब्रेक बची नहीं रही है, झूठ मारता है। चलो गाइस अभी OP राइड होने वाली है, बस ब्रेक बच जाए। ओ क्या बात है भाई, क्या बात है, साइकिल वाले भी पागल हो गए हैं, टायर गंजी है तू भी गंजा है।
सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, तो जल्दी से चलते हैं भाई सर्विस सेंटर और लेते हैं अपनी बाइक को। और भाई आगे देख रहे हो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत बहुत ज़्यादा। ओ भाई क्या बात है। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना यार हम अपनी बाइक पे कौन सा रैप करवाए, मतलब कलर वगैरह चेंज करूँ कि नहीं करूँ। ऑनेस्टली यार मुझे उसका कलर बहुत अच्छा लगता है जो पहले से है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, पर मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग किया जाए। और यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, चक्कर क्या आज चले कहाँ हम, हर जगह देख रहे हो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई। गाइस हम एक लॉन्ग राइड का भी प्लान बना रहे हैं, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो यार आने वाले व्लॉग्स बहुत खतरनाक होने वाले हैं, तो बस आप वीडियो में बने रहो, तो आप कनेक्टेड रहो हमारे साथ, आपको बहुत मजा आएगा। सो गाइस मैंने प्लान बनाया कि हम नवंबर के सेकंड वीक में एक ट्रिप मारने वाले हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको आगे वाले व्लॉग्स में पता चलेगी। अभी तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, सोच रहा हूँ कि लद्दाख जाऊँ, पता चल जाएगा आपको। ओ यार रेड सिग्नल था, चलो वापस पीछे चलो भाई। गाइस देख रहे हो आगे रेड सिग्नल है, हम गलती से थोड़ा सा आगे आ गए थे। क्या लगता है तुझे हमारी बाइक मिलेगी आज? नहीं मिल जाएगी, अगर नहीं दी तो देख एटीएम ही रहेगा। तो गाइस ग्रीन हो चुका है, तो चलते हैं अभी। भाई निंजा की भी ब्रेकिंग है, इसने केटीएम आरसी 390 जैसी कर दी। ओ भैया क्या कर रहा है, उतरना उतरना, नीचे उतर नीचे उतर नीचे उतर नीचे उतर। भाई इधर आओ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्या पार कर रहे थे, क्या कर रहे हो आधे रास्ते में खड़े हो यार। अभी आपको कुछ, अभी आप मेरी बाइक के साथ बच जाते मैं फंसता ना, आपको कुछ नहीं होता भाई, आपको कुछ नहीं होता। आप गलत जा रहे हो भाई, आप गलत जा रहे हो, वीडियो में आया भाई, रिकॉर्ड हुआ सारा। फिर क्या हुआ, आप रोड से आगे, फिर आप आधी रोड में बीच में खड़े हो गए, रोड के बीच में खड़े रहोगे आप भाई। इनकी गलती है नहीं गलती है, आप बताओ इनकी गलती है नहीं है। चलो अब हो गया जो हो गया, पर ये अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे भैया, इनकी गलती है, रिकॉर्ड हुआ हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है यार। अभी आप बताओ इसको लगती फंसता मैं ना, फंसता मैं ना, इसकी कोई गलती मानता, रिकॉर्ड है ना, अपनी गलती तो मानो एटलीस्ट के आप आधे रास्ते में खड़े थे। भाई कोई नहीं, इसको पूछता मैं फंसता ना भाई, आपको भी पता है, इसको अय्या भी ठुकता मेरे को पकड़ते सारे के भाई इसकी गलती थी। आधे रास्ते में पता नहीं क्या करने को रुका हुआ है, अगर ये बचता भी बाइक से मुझे पता यार मैंने कैसे कंट्रोल किया है, इसको कौन पूछता इसकी गलती है। बकवास कर रहा है, तो इसको अकल आ जानी थी। ऊपर से बोल रहा है तो वीडियो को कंटेंट भी नहीं करते हो, रिकॉर्ड है ना, क्यों नहीं है, रिकॉर्ड है पूरा, बकवास कर रहा है आगे से। आधे रास्ते में क्या कर रहा था ये, रुक गया हुआ भाग गया ना पीछे, अभी मर जाता हम बस जाते फालतू में, हमारी कोई गलती थी। ऊपर से मेन हाईवे के बीच में क्या कर रहा है, हाईवे में क्या कर रहा है आधे रास्ते में, ये मेन हाईवे में बचा बीच में चलेगा। हमेशा ड्राइवर फंसता है, जो बंदा बाइक चला रहा है गाड़ी चला रहा है ना, हमेशा वो फंसता है, वो बंदा कभी नहीं फंसता जो गिरता है। हाँ गाइस यहाँ तो गली वगैरह हो ना तो बंदा मानता भी है यार, हाईवे के बीच में क्या कर रहा है वो, पूरे मूड की ऐसी की तैसी कर देते हैं यार ये लोग। गाइस अभी हम केटीएम के सर्विस सेंटर पहुंच गए, लगा यार बाइक यहाँ पे, पूरा मूड खराब कर देते हैं यार लोग, अभी सीन हो जाना था सुबह सुबह यार। सो गाइस चलो यहाँ से बाइक लेते हैं, निकलते हैं। A few moments later. So finally guys, अपनी बिलो रानी बैक, तो देख लो आप अभी हमारी बाइक आ चुकी है यहाँ पे, तो इसका सारा काम हो चुका है भाई। पीछे से टेल देखो, ये टेल टूटी थी देख रहे हो, ये ट्रे भी न्यू लगाई है, और ये देख रहे हो टेल लाइट भी न्यू लगवाई हुई है। ये जो आउटर फेयरिंग है ना, ये देख रहे हो इस पर स्क्रैचेज है, ये चेंज नहीं हुई है, ये अभी ऑर्डर लगा हुआ है, ये थोड़े दिनों में आ जाएगी। जो इनर फेयरिंग है ना ये वाली, ये चेक करो, जिसने पुराना वाला ब्लॉग देखा होगा उसको पता होगा ये भी टूटी थी, तो गाइज ये न्यू लग गई है, तो ये इसका ऑर्डर लगाया हुआ है, ये भी जल्दी आ जाएगी, तो फिर इसको भी चेंज करवा लेंगे। गाइज ये तो मैंने कैश पे चेंज करवाई थी दोनों चीजें, पर इसके अंदर एक बेयरिंग डलता है वो भी न्यू लगा है, जिसकी वजह से अब गियर्स अच्छे से डलेंगे। अभी मैंने टेस्ट राइड ली नहीं है, तो अभी टेस्ट राइड भी लेते हैं, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। और गाइज ये देखो पीछे न्यू टेल लगाई है हमने, तो ये देखो ये अभी उतरा भी नहीं है, ये मैं उतार रहा हूँ, क्या बात है यार। बस एक चीज रह गई है जो है आउटर फेयरिंग, वो भी आ जाएगी। तो गाइज अभी बाइक की चेन आवाज कर रही थी, तो मेरे को चेन लूप वगैरह भी करवाना है। तो फाइनली गाइज चलो अभी अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं भाई, 15-20 दिन बाद अपनी बाइक स्टार्ट होने वाली है, मतलब कोल्ड स्टार्ट होने वाली है, देख रहे हो अभी इस पे एक बार भी नहीं है, तो करते हैं इसको स्टार्ट।
क्या बात है भाई, एक नंबर स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी इसको थोड़ा कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं। और गाइस लुक चेक करो यार अपनी बाइक की, अभी इस पे एक तगड़ी सी मॉडिफिकेशन भी होने वाली है। तो आप लोग कमेंट्स करते रहना भाई, अपनी अपनी राय देना सारी कि हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए। ये विंगलेट और ये तो नहीं मैं उतारने वाला हूँ यार, बिकॉज फेस तो इसका एक नंबर लगता है। हाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करवाऊँ, तो देखते हैं वो भी। तो गाइस अभी बाइक की वॉशिंग करवा लेते हैं और चेन लूप करवा लेते हैं। A few moments later. So finally guys, अभी हमने बाइक अच्छे से वॉश करवा दिया, चेन लूप वगैरह सब कुछ करवा दिया हुआ है। तो चलो यार अभी इसकी टेस्ट राइड लेते हैं, फिर देखते हैं भाई काम कैसा हुआ है, ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी मैं एक छोटी सी टेस्ट राइड लेके आता हूँ आगे से। गाइस बाइक चलाने में तो ठीक ही लग रही है, चेन लूप वगैरह भी कर दी है, तो अब चेन से भी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक मिनट उतर के भी देख लेता हूँ। देख रहे हो ना कोई वाइब्रेशन नहीं है, मैं अच्छे से रेव कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं आ रही है कहीं से। पहले चेन से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी, तो अब वो भी नहीं आ रही है। तो गाइस बाइक बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो अभी चलते हैं वापस KTM के सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे बिल पे करते हैं, तो निकलते हैं। सो फाइनली गाइस बिल वगैरह पे कर लिया है, तो चलो अभी निकलते हैं, चलते हैं सीधा कैफे, वहाँ से अपनी निंजा पकड़ते हैं। तो चलते एक अच्छा सा व्लॉग बनाने के लिए, और इसको मैं कैफे में ही लगा दूंगा। ओ यार आगे से गाड़ी आ रही है भाई 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 भाई, बहुत ट्रैफिक है। तो चलो गाइस बाइक को थोड़ा भगा के देखते हैं, भाग तो ठीक ही रही है यार। गाइस मुझे इसकी ये ग्रिप्स चेंज करवानी है यार, ये बहुत चुभती है हाथ में, मैंने गलती कर दी थी ये ग्रिप्स लगा के, बहुत बेकार ग्रिप्स है ये। और इसका ये ब्रेम्बो ब्रेक सिस्टम भी, ये वाला, तो गाइस इसका ब्रेम्बो ब्रेक सिस्टम भी चेंज करवाना है, ये भी बहुत बेकार है। गाइस इंजन तो इसका बिल्कुल फ्रेश है, बिकॉज ये चली नहीं है यार ज्यादा, 15,000 किलोमीटर तो चली है सारी बाइक। ये देख रहे हो रिंग लाइट तोड़ दी थी किसी ने, ये भी मैंने ठीक नहीं करवाई। तो ये सब करवाएंगे मॉडिफिकेशन के टाइम पे। तो वहाँ पे चेक करो, वहाँ पे चल रही है निंजा। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, निकलेगी आराम से थोड़ा। सो गाइस आगे सिग्नल रेड है तो रुकते हैं। सो गाइस सिग्नल ग्रीन होने ही वाला है, 1 2 3 हो गया। ओ क्या बात है भाई, चलो 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 चलो, भगा भगा भगा। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ आज का पूरा व्लॉग बिल्लो रानी पे ही बनाते हैं यार, वैसे भी हमने इसको बहुत दिन से राइड नहीं किया। तो अभी कैफे में लगे रहने दो बाइक को, तो अभी हम इसी को लेके जा रहे हैं सिद्रा। तो चलो यार अच्छा सा एक व्लॉग बनाते हैं। वैसे भी KTM लवर्स मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भाई KTM पे व्लॉग बनाया करो, तो लो भाई आज का व्लॉग KTM पे, भगाओ भगाओ भगाओ। सो गाइस ये चेक करो, हमारे आगे आर्मी चल रही है, देखो भाई कार देख रहे हो, ये देखो गाइस आर्मी वालों की अलग ही डायल होती है यार, है ना गाइस। ये चेक करो यार, 3 स्टार लगे हैं कार के पीछे, इसमें पता नहीं कौन सा ऑफिसर जा रहा होगा। एक ऑफिसर के साथ 4 गाड़ियां चल रही हैं, सुनना एक बंदा जा रहा पीछे, 4 गाड़ियां चल रही हैं, हैं? यही चाहिए पढ़ाई कर फिर। व्लॉगिंग क्यों कर रहा है। सो गाइस सिग्नल आज सारे रेड ही मिल रहे हैं हमें, आज सारे सिग्नल रेड है। सो गाइस ये हो गया ग्रीन, और भैया सिग्नल तो देख भाई, भाई लोगों को सिग्नल नहीं दिखते है क्या। ओ, बड़े खड्डे हो गए यार रोड पे, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, पावर देख रहे हो, किंग ऑफ सिंगल सिलेंडर बोल सकते हो भाई आप इस चीज को यार, देखो पावर। गाइस मेरे को राइडिंग पैंट भी लेनी है, आज पिट स्टॉप में पूछते कि राइडिंग पैंट अवेलेबल है कि नहीं है, मेरे साइज की तो अवेलेबल नहीं थी पहले, तो मुझे लग रहा अभी तक आ गई होगी। ये देखो भाई निंजा, चलो चलो क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। और रुक जा रुक जा रुक जा, आगे देख रहे हो सरिया वाला ट्रक चल रहा है। ओहो देख रहे हो लोंडे को, लोंडा फुल बाइक भगा रहा है, हम भी भगा लेते थोड़ी देर, ब्रेक नहीं मारना बे। देखो देखो क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, ओ मेंटल। सो गाइस ये रहा हमारा स्टंट पॉइंट, जो बिल्कुल सुनसान है, बिकॉज यहाँ पे कोई स्टंट नहीं मारता आजकल, स्टंट्स मारना बैन हो चुके हैं गाइस। कॉर्नरिंग देख रहे हो, ओए ओए क्या हो गया तेरे को आज। सो गाइस अभी हम सित्रा पहुंचने ही वाले हैं, और भैया मुड़ रहे हैं आगे से, ओए ओए ओ चाबी निकाल के ले गया,
यार ये क्या बदतमीजी है यार, हाथे दे चाबी। ओ भाई लड़के चाबी निकाल के यार चलती बाइक से पागल। तो गाइस वो रहा नेस्कैफे, तो अभी हम सीधा पिट स्टॉप चल रहे हैं, स्टॉप एंड चेक करें क्या बोलते हो। आगे बहुत ट्रैफिक है, स्टॉप एंड तो चेक भी होगा। तो देखो कहाँ भगा रहा है, ट्रैफिक बड़ा आगे। देखो भाई ये बंदा बीच में चल रहा है यार, कितना दिमाग तेज होगा इस बंदे का, इस बेवकूफ को इतना नहीं पता या इधर चल या इधर चल, बीच डिवाइडर पे चल रहा है पागल आदमी। गाइस मैं इस बाइक को ज्यादा तेज इसीलिए नहीं चलाता हूँ बिकॉज इसमें ब्रेकिंग वैसी नहीं है जैसी निंजा 1000 में ब्रेकिंग है ना, उसमें ड्यूअल डिस्क है, इसमें जो एक डिस्क है वो भी काम नहीं करती है अच्छे से, तभी मैं इसको ओवर पावर नहीं भगाता हूँ ज्यादा। सो गाइस फाइनली अभी हम पिट स्टॉप पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे बाइक्स लगा दिया हमने। सो फाइनली गाइस अभी हम पिट स्टॉप में पहुंच चुके हैं, मैंने राइडिंग पैंट ट्राई की और देख रहा हूँ मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे हल्क नहीं होता, मतलब देखो क्या लग रहा हूँ मैं यार, मतलब आपको मैं कैमरे से दिखाता हूँ ठीक है, ये शूट करेगा। तेरे पांव कहाँ चले गए हैं, नीचे चेक करो गाइस, देखो आप उस कैमरे में देखो कैसा लग रहा है, देख रहे हो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर दी, कैसा लग रहा है। तो देखते हैं अभी कौन सा साइज आता है मुझे। गाइस मैंने अभी राइडिंग पैंट देखी पर मुझे उसका साइज नहीं आया यार, वो लार्ज थी मेरे को आएगा स्मॉल या मीडियम आएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया तो थोड़े दिनों में आ जाएगी। सो फाइनली गाइस चलो अभी निकलते हैं पिट स्टॉप से और यहां पे चेक करो भाई यहां पे लगी हमारी KTM RC390 और कमेंट करके बताओ भाई कैसी लग रही है, देख रहे हो कैसे चमक रही है। ये वाली साइड तो इसकी बिल्कुल ठीक थी, तो गाइस हमने उस साइड का इंश्योरेंस लिया था और गाइस ये वाली साइड भी एकदम टिप टॉप हो चुकी है, बस ये बाहर से आउटर फेयरिंग रही है थोड़ी सी, इस पे हम टेपिंग भी करा सकते हैं पर अब इंश्योरेंस लिया ही है तो चेंज ही करवाएंगे, क्यों फालतू में टेपिंग करवानी। तो गाइस एक सीट कवर लगाना बिकॉज जब बाइक में सीट कवर लगा था उसकी एक अलग ही लुक लग रही थी, मतलब बहुत खतरनाक लुक दे रही थी। गाइस जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था मैंने इसमें एग्जॉस्ट लगवाया हुआ था SC प्रोजेक्ट का, पर फिर मैंने निकलवा दिया तो मैं सोच रहा हूं कि एग्जॉस्ट भी लगवाएंगे वापस। तो चलो फिलहाल निकलते हैं, आप लोग बस कमेंट करके बताना हमारी बाइक कैसी लग रही है। A few moments later. अरे गाइस सीन हो गया यार इसका, फिर से खुल गया भाई, क्या काम किया कंपनी वालों ने यार। गाइस ये देख रहे हो भाई ये फिर से खुल गया यार, कंपनी वालों ने क्या काम किया था, मैंने इस चीज के लिए तो इंश्योरेंस लिया था, ये देख रहे हो क्या हुआ ये भाई, क्या फायदा यार इंश्योरेंस लेने का अगर ये ऐसे खुलता रहेगा बार बार यार। अरे यार देख रहे हो क्या सीन हो गया यार, गाइस क्या फायदा हुआ 20 दिन कंपनी में बाइक लगा के यार, क्या करे अब। गाइस अब आगे मैकेनिक को देखते हैं यार वो फिक्स करेगा इसको। गाइस अभी बाइक पहले गियर में ही चलानी पड़ेगी यार, ये क्या सीन हो गया यार भाई, पता नहीं क्या काम करते हैं यार, ये कोई समझ नहीं आती यार मुझे यार, 20 दिन आप बाइक रख रहे हो कम से कम काम तो ठीक करके दो यार। सो गाइस अभी हम बस मैकेनिक के पास पहुंचने वाले हैं यार और इसको मैं पहले गियर में लाया हूं इतनी दूर से। ये आ गया मैकेनिक की शॉप पे भाई, ये देखना यार ये नीचे से खुल गया इसका, ये देखो ना गाइस अभी गियर लीवर ठीक करवा दिया यार, अब होप करो यार अब फिर से खराब ना हो, कल मैं इसको फिर से सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा यार, पूछूंगा उनको भाई इसको क्या इशू है, मतलब ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्या सीन है इसको। तो चलो भाई फिलहाल निकलते हैं अभी, चल मिलते हैं फिर कल, ओके आराम से जाना। सो गाइस अभी हम जा रहे सीधा कैफे, वहाँ पे अपना हल्क लगा हुआ है, तो हल्क और KTM RC390 को दोनों को घर लेके चलेंगे, तो कैफे में व्लॉग एंड करते हैं। हेलो कैसे हो, ठीक हो, मिलते हैं बाद में। तो गाइस दो चेक करो हमारे सब्सक्राइबर, कहाँ से जा रहे हो, पिकनिक जा रहे हो, सही है, कौन सा स्कूल है, अच्छा अच्छा सही है, चलो मिलते हैं फिर, ओके हेलो बाय मिलते हैं। ओ देखो भाई कैसे हो, ओ भाई सारे चिल्लाने लग गए यार, बाय बाय हेलो कैसे हो, हेलो हेलो आराम से कैसे हो सारे, ठीक हो, ओके बाय 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 मिलते बाय 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 बाय। गाइस जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था ना लोग मुझे बोलते थे ये छपरियों वाला काम है, हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है भाई, इतना प्यार करते हैं लोग भाई, पूरी दुनिया जलती है यार, जलती है बहुत जलती है लोगों की, ये देखो हर जगह सब्सक्राइबर है भाई, लोग बोलते हैं यूट्यूबर्स को कि छपरियों वाला काम है। गाइस जितना एक DC पे लेता है ना हम उतना एक ब्रांड से उठा लेते हैं ठीक है, तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे नहीं तो लोगों को लगेगा मैं भाई शो ऑफ कर रहा हूँ छोड़ो। सो फाइनली गाइस अभी हम कैफे पहुंच चुके हैं,
सो गाइस ये चेक करो, यहाँ पे लगा हमारा हल्क। तो भाई दोनों बाइक्स को यहाँ पे लगा देते हैं। सो गाइस चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और यार इन दोनों बाइक्स का फेस देखो, कमेंट करके बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा, ठीक है। ये अपने हल्क का फेस देख लो, इसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और भाई ये अपना कि अपनी KTM का फेस देखो, मुझे पर्सनली इसका फेस ज़्यादा पसंद है यार, बिकॉज एकदम शार्क की तरह है ना, देख रहे हो ना कितनी शार्प लुक है इसकी। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगले या उसके अगले व्लॉग में हम इस बाइक की मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो चलो गाइस मिलता हूँ एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय गाइस।